हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार और आज हूँ मैं मैनपाट में। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेट किया था 1962 में, तो जो यहाँ के तिब्बत के रिलीजियस गुरु थे दलाई लामा, वहाँ उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया में आए थे। कुछ लोगों को यहाँ तिब्बत में बसाया गया था। मैं कल ही आ गया था अंबिकापुर में। अंबिकापुर से ये 53-54 किलोमीटर करीब है। स्टार्टिंग में तो रोड थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रोड है और बीच बीच में काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स मिल रहे थे। सही है। अभी ये मॉनेस्ट्री क्लोज है, पता नहीं जब से कोविड-19 का आया था कोरोना, तब से बंद है ये। और काफ़ी अच्छे व्यूज है यहाँ पे। दोपहर में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी है। इसके बाद हम लोग जाएंगे टाइगर पॉइंट, एक वाटरफॉल है उसके यहाँ। यहाँ आपको दिखाता हूँ इसको कैसी है मॉनेस्ट्री, बाहर से ही, अंदर नहीं जा सकते हम लोग। अभी हम टाइगर पॉइंट के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में हमें न्यू मॉनेस्ट्री मिली। यहाँ भी अंदर जाना अलाउ नहीं है, बहुत खूबसूरत है। और इसके सामने यहाँ पे फ्लैग्स लगे काफ़ी अच्छे। टाइगर पॉइंट 10 किलोमीटर दूर है। अभी हम टाइगर पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिवर जैसे, और ये पानी यहाँ से आगे नीचे की तरफ चलता है। हम नीचे भी जाएंगे, नीचे से दिखाएंगे वाटरफॉल कैसे दिखता है। अभी ऊपर से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। बगल में हिल है और ये डैम जैसा कुछ है इधर। मोहित, कैसा लग रहा है मोहित तेरे को? अरे एकदम मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। दो चार फोटोज क्लिक करते हैं बस, और फिर चलते हैं हम लोग फटाक से नीचे। अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे से दिखाएंगे वाटरफॉल कैसा है बाकी यहाँ के लिए।
क्या कर रहा है भाई? ये एक बाउंसी ग्राउंड है, यहाँ नीचे पानी का लेयर है, एक उसके ऊपर घास और मिट्टी, घास के जड़े और मिट्टी मिक्स होके बन गई है। इसको जलजली बोलते हैं, जलजली। काफी शानदार है, हम करने में बाउंस कर रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ 10 रुपये टिकट लिए दो लोग का, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग हैं जो उधर घोड़े पर बैठ के घूमने के लिए जा रहे हैं, बाकी बहुत खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। हम उल्टा पानी पहुंच चुके हैं और काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ का, पानी ऊपर की तरफ हिल पे जा रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। आप जो पीछे देख रहे हैं पानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, काफी अच्छा लगा देख के। अब पता नहीं क्या है इसके पीछे, शायद ये जो हिल है मैग्नेटिक है, इसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जा रहा है। दिखाता हूँ, अभी हम पत्ता डालकर देखें, बीच में डाल दीजिए। यहाँ पे हमने पत्ते डाल दिए और ये देखिए सच में ऊपर से ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, हिल के साइड देख सकते हैं आप, देखिए ऊपर जा रहा है, ये नीचे से इधर से आ रहा है, बीच में है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर जाकर ऐसे फिर ऊपर की तरफ और जा रहा है उधर साइड। सुंदर नजारा है यहाँ का। थोड़ी देर विलेज साइड एक्सप्लोर किया, फिर हम घर की तरफ निकल गए। और हम घर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ गए थे आज? सबसे पहले ओल्ड मॉनेस्ट्री गए, फिर उसके बाद से न्यू मॉनेस्ट्री और उसके बाद टाइगर पॉइंट जो वाटरफॉल है काफ़ी सुंदर था, उसके बाद से दलदली, हाँ बाउंसिंग लैंड गए थे और उसके बाद से यहाँ उल्टा पानी, मैग्नेटिक हिल है वहाँ पे पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी सुंदर रास्ते पेंटिंग बनी हुई देख सकते हैं इधर, चलते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, यहाँ जरूर आइए आप अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो, काफ़ी अच्छी जगह है। तब तक के लिए बाय बाय।